नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। मेरी नजर इस बार एक इतिहास के एक बहुत ही अहम चैप्टर या एपिसोड पे जाएगा, जो हिंदुस्तान की आजादी के ठीक एक वर्ष या फिर करीब यूं मानिए कि 18 महीने पहले की फरवरी 1946 की घटना है। और मेरे साथ नजर उस कड़ी की डालेंगे प्रमोद कपूर, जिनकी अभी बहुत ही बेहतरीन और मार्मिक किताब आई है, 1946 लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी। मैं ये किताब आप लोगों को दिखा रहा हूं और ये हर एक से गुजारिश करूंगा कि वो इस किताब को जरूर पढ़ें, प्योरली बिकॉज कि इतिहास के इस महत्वपूर्ण कड़ी के बारे में हम लोगों को ज्यादा देखने को या ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है। ये एक तरह से इग्नोर्ड चैप्टर है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो मेन फ्रेम था उसके बाहर से था, उनका उससे कोई पॉलिटिकल लिंकेज नहीं था। और हमेशा से जो मेन स्ट्रीम राष्ट्रीय आंदोलन और फिर आजादी के बाद जो पॉलिटिक्स हुई उसमें एक तरह से प्रॉब्लम के तौर पे पेश आई। प्रमोद कपूर के साथ मेरा बहुत ही पुराना नाता रहा है। ये आज से करीब 30-35 वर्ष पहले मेरे संपादक रहे हुए थे, एक अखबार निकालते थे, ये इतवारी अखबार होता था, संडे मेल, उस समय की बहुत चर्चित और बहुत महत्वपूर्ण लेट 80s का एक बहुत महत्वपूर्ण अखबार होता था, उसमें मैं एक बतौर कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे काम करता था। तो प्रमोद जी के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है। प्रमोद जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप इस कार्यक्रम में अपनी किताब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई इस किताब के लिए। मुझे पता है कि आपने बहुत वर्ष, बहुत सालों से इस किताब पे रिसर्च की है। तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये है कि इस किताब में दो नैरेटिव्स एक तरह से मर्ज होती हैं। एक नैरेटिव तो है जो म्यूटिनी की नैरेटिव, कि वो कैसे हुई, क्यों हुई, उन लोगों का क्या हुआ, आगे आजादी के बाद क्या हुआ, और दूसरी नैरेटिव है जो आपकी अपनी नैरेटिव है। आप प्रोफेशनल इतिहासकार नहीं है, ठीक उसी तरह से जैसे मैं एक प्रोफेशनल इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन हिंदुस्तान में इतिहास पे काम करने के लिए किसी को परहेज नहीं है। तो ये आपकी एक दौर है कि कैसे आप इस सब्जेक्ट पे, किस तरह से एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन के तौर पे, किस तरह से आपने इस चीज को 5-6 साल से डॉगेडली चेज किया और फाइनली जाके एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी। ये मैं बताना भूल गया, ये जो कवर देख रहे हैं, जो श्रोता इसको देख रहे हैं, ये असल में हमारे चित्त प्रसाद भट्टाचार्य, जो बहुत ही लीडिंग इंडियन आर्टिस्ट थे, उनका एक बनाया हुआ है। इसमें दर्शाया गया है कि एक नेवल शिप में सेलर्स का प्रोटेस्ट को दर्शाया गया है। तो प्रमोद जी, सबसे पहले तो शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल आपकी पर्सनल चीज के, कि कैसे आप इस सब्जेक्ट पे जो कि एक तरह से इग्नोर्ड चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री रहा है, उससे किस तरह से आप इंटरेस्ट हुए और कैसे आपने अपनी रिसर्च को कंप्लीट किया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें कही, और नाता तो हम लोग का है बहुत पुराना, और बड़ी खुशी होती है कि फिर से हम लोग प्रोफेशनल दौर से जुड़े हैं फिर से। जहाँ तक किताब की बात है, ये मेरी इसके पहले किताब थी गांधी जी की, एक जीवनी मैंने लिखी थी, सचित्र जीवनी, और उसको रिसर्च कर, उसमें भी 3-4 साल लगाए थे मैंने। और उस वक्त जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने इनके, गांधी जी के जो कलेक्टेड वर्क्स हैं पूरे पढ़े थे, 100 वॉल्यूम, और उसमें वॉल्यूम 89-90 में इसका जिक्र आया, और मैंने पढ़ा, और उस समय थोड़ा सा उसको नज़रअंदाज कर लिया कि
कि भाई चलो इतने मूवमेंट्स हुए थे, ये भी एक मूवमेंट रहा होगा। लेकिन जब मैंने और पढ़ा और देखा कि गांधी जी ने इस पर काफ़ी टिप्पणियां की हैं, और अरुणा आसफ अली से उनकी थोड़ी सी नोक झोंक भी हुई, जो पब्लिक नोक झोंक थी। सरदार पटेल ने भी कुछ चिट्ठियां लिखी गांधी जी को, जो नेहरू जी से नाराज होके ये लिखा कि भाई मैंने मना किया था जवाहरलाल को यहाँ ना आए बॉम्बे, उसे और आग फैलेगी, लेकिन वो फिर भी आ रहा है, अब वो आ रहा है तो आने दीजिए, लेकिन मैं खुश नहीं। इस तरह की बातें जब मैंने पढ़ी तो मैंने सोच रहे ये कोई छोटी मोटी बात हादसा नहीं रहा होगा, इसको मुझे और देखना चाहिए। एक अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ मैं गांधी जी की जीवनी में इंक्लूड नहीं कर सका, लेकिन जब बाद में मैंने पढ़ा तो जितना ज़्यादा पढ़ता था उतना ज़्यादा रोचक होती गई ये कहानी। और तब मैंने इसको एक राइट अर्नेस में शुरू किया उसका शोध करना, और जितना शोध करते जाए हर चीज में लग रहा था ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, ये तो कभी किसी को पता ही नहीं लग रहा है ये। तो जी उस तरह से उस जील और एंथुजियाज्म में मैंने शुरू किया, और जितना कुछ पढ़ा उस ज्यादा से ज्यादा इसमें इंक्लूड किया है, लेकिन फिर भी इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग और यू कैन से मोर डिफिकल्ट पार्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। तो इस जी तरीके से मैं आई स्टैम्बल्ड अपॉन इट, लेट मी से दैट वे। जी प्रमोद जी, एक जो बड़ी बात है वो ये कि जो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी थी वो एक तरह से हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, सेलर्स आए थे, जहाज जो थी रॉयल नेवी की वो बॉम्बे की में डॉक हुई थी, और वहां से नाराज होकर सेलर्स ने विद्रोह किया और फिर म्यूटिनी की, और वो फाइनली जाके वो सिर्फ नेवल म्यूटिनी बन के नहीं रह गई, लेकिन उनके जो डिमांड्स थे उसको अगर हम लोग देखें तो वो कभी राष्ट्रवादी एक्सपैंड हो गए। जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब बकायदा रॉयल इंडियन नेवी को इंडियन नेशनल नेवी के तौर पे उन्होंने रीनेम किया। उन्होंने साथ ही एक चार्टर ऑफ डिमांड भी बनाए जिसमें उन्होंने यहां तक मांग की कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स और जो आईएनए ट्रायल के जो प्रिजनर्स थे उनको रिहा किया जाए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपना मुद्दा लेके शुरू हुए, लेकिन उन्होंने उसको एक राष्ट्रवादी एक पूरा पूरा कैनवस को उन्होंने मतलब एक्सपैंड किया अपने डिमांड्स को। तो आप कैसे समझते हैं कि किस वजह से ये म्यूटिनी शुरू हुआ था, किन चीजों का ट्रिगरिंग फैक्टर अगर हम बात करें, और फिर ये कैसे और क्यों जाके ये एक्सपैंड हुआ? अब मैं बताऊं, ये म्यूटनी तो शायद तभी शुरू हो गई थी कि जब गलत तरीके से ये रेटिंग्स या जो यंग सेलर्स थे जी बिल्कुल उनका रिक्रूटमेंट हुआ था। जब रिक्रूटमेंट किया था वर्ल्ड वॉर टू के पहले 38-39 में जब इनका सब शुरू हुआ, तो उस जी वक्त तमाम प्रोमिसेस की गई कि आपको आप ज्वाइन करिए और आप 2 साल में आपको ऑफिसर बना दिया जाएगा, आपकी फैमिली बिल्कुल मतलब सब लोग ऊंची ऊंची बातें इनको प्रॉमिस की गई। और जब कई रेटिंग्स ने बाद में लिखा अपने स्टेटमेंट्स में कि जब और चिट्ठियां जो लिखते थे अपने अपने परिवार को कि ये तो सब एक महीने में सब झूठ आग सामने आ गया, ये कभी ऐसा नहीं था कि हम लोग को इतना कुछ देंगे जितना हमको प्रॉमिस किया था। तो एक तरीके से उस जी दिन से ही शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद काम तो खराब तब हुआ जबकि बीच में इनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अब उसको हिंदी में क्या कहूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा हिंदी, मेरे मतलब ख्याल से वो रेशियल रेच डिस्क्रिमिनेशन हर एक कोई समझ आएगा। जी मतलब मैं तो भी मतलब रेशियल वेरी फ्रैंकली फ्रैंकली मैं भी मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को मतलब हिंदी में समझने के लिए मुझे थोड़ा कंसिडरेबल समय लगेगा। हम लोग जी भाषा असल में कम्युनिकेशन के लिए होती है, तो हम लोग हिंदी में बातचीत करें, लेकिन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मुझे यकीन है कि हमारे श्रोता जो जो देख रहे हैं वो बिल्कुल समझ जाएंगे। जी तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, लिविंग कंडीशन बहुत खराब थी कि जैसे 10 10 लोगों के लिए कमरा है तो उसमें 30 लोगों को भर दिया गया, लेकिन वही जी वही जी जो रॉयल नेवी मतलब जिसमें ब्रिटिशर्स थे उनको 10 लोगों के कमरे में 5 लोग ही रहते थे,
तो लिविंग कंडीशन का खाना जो था इनको कई जगह बार ऐसा हुआ कि वो मुस्लिम्स थे लेकिन उनको हलाल मीट नहीं था, और कभी हिंदुओं को जो वेजिटेरियन थे, मतलब बहुत तरीके की इसलिए खाने पीने को लेकर भी बहुत तकलीफें थी। तो ये सब चला जा रहा था और ये बर्दाश्त किए जा रहे थे। और जब ट्रिगर तब आया कि जब डीमोबिलाइजेशन शुरू हुआ, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, तो ये हुआ कि अब इतना पैसा था नहीं गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और वो इन सब कुछ ठीक इस तरीके से चला नहीं पाएंगे। तो ये एक टारगेट दिया गया कि जो अगर 30,000 लोग थे तो इनका 500 लोगों का पर डे के हिसाब से करीब करीब करके इसको किसी तरह 10,000-8,000 पर लाना है। तो रैपिड तरीके से डीमोबिलाइजेशन शुरू हुआ। एक वो बहुत बड़ी तकलीफ थी लोगों को कि भाई अच्छा, जब बहुत बुरी तरह से डीमोबिलाइजेशन किया, उनसे एक वर्दी मांगते थे, अगर फटी हुई है वर्दी तो उसका पैसा काट लेते थे, या जूता 5-5 साल का जूता पहना हुआ वर्दी पहनी हुई लेकिन वो उसका भी अगर फट गया है तो उसका उसके पैसे काट लेते थे। तो इस तरह से बहुत गलत तरीके से डीमोबिलाइजेशन हो रहा था। इसी बीच जब ये लोग जो ये सेलर जब वहाँ से सिंगापुर से आते थे तो और या फारी से आते थे तो अपने साथ में बहुत से न्यूज़पेपर लेके आते थे जिसमें सुभाष चंद्र नेताजी की जब की ब्रेवरी का या आईएनए की ब्रेवरी का तमाम डिस्क्रिप्शन रहता था, और ये लोग शेयर करते थे अपने यंग ऑफिसर्स, अपने यंग सेलर से बॉम्बे में, खासकर जहाँ पर म्यूटिनी शुरू हुई थी। और जब इन लोग का लिबर्टी टाइम जैसे बोलते हैं, जब इनको फ्रीडम था कि जब आप संडे के जहाँ भी जाना चाहो जाओ, तो ये लोग जाते थे रेस्टोरेंट्स में, वहाँ आपस में बातचीत करते थे, अखबार भी वहाँ मिलता था, उसमें भी अखबार जो नेशनल अखबार थे जैसे फ्री प्रेस जर्नल, बॉम्बे क्रॉनिकल, ये सब अखबार जो है बड़े खुलेआम लिखते थे। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन वगैरह ब्रिटिश ओन्ड होते थे, वो दूसरी तरीके से लिखते थे। तो ये सब चीज़ें ये लोग पढ़ते थे। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तो इसको तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक बड़े लंबे स्केल पर गिरफ्तारी की थी। सब बड़े बड़े जितने नेता थे सब गिरफ्तार हुए थे जी। 8 अगस्त 1942 की बात है, 9 अगस्त को अरुणा आसफ अली खुद गई और जो ग्वालियर मैदान कहलाता है, जो आज आजाद मैदान कहलाता है, वहां पर जाके उन्होंने अपना तिरंगा फैलाया। जब वो फिर उनके ऊपर भी पुलिस लग गई उनको अरेस्ट करने के लिए, वो अंडरग्राउंड चली गई और 3 साल तक वो अंडरग्राउंड थी, जबकि उनका उनकी प्रॉपर्टीज को कुर्की किया गया, जब्त कर लिया गया, उनके ऊपर उनके सर पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया गया। ये तब भी वो बाहर नहीं आई, लेकिन जब एक समय आया 1945 में जब लोगों को छोड़ना शुरू हुआ तो गांधी जी ने भी इनको कहा कि अब आप निकल आइए, आप तो बिल्कुल स्केलेटन की तरह हो गई हैं, मुझे पता है। तब वो थोड़ा गांधी जी के कहने पर और थोड़ा जब मामला ठंडा हुआ तो शी सरफेस वो बाहर निकली। जब बाहर निकली तो वो जो थी एक हमारे जो सोशलिस्ट जिंजर ग्रुप कहते हैं उसकी वो सदस्य थी, जैसे जयप्रकाश नारायण उन लोगों के और मीनू मसानी थे, तो उनके साथ ये बैठ के ये लोग बात करते थे। इन्होंने इन लोगों को लगा और ये ठीक लगा कि ये जो रेटिंग्स यंग रेटिंग्स हैं इनके साथ बड़ा गलत वो हो रहा है, तो उन्होंने इनको कॉन्टैक्ट करना शुरू किया। और कुछ लोग और ऐसे भी थे जो वी हु वर फुल ऑफ फ्रीडम फॉरवर्ड एंड वो उन्होंने भी इनको रेटिंग्स को इनसे मिलवाया और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। एक फ्लैट था बॉम्बे में नंबर 2 रिवेरा करके बिल्डिंग आज भी है, उसमें अभी भी नेवी के लोग वहाँ पे मुलाकातें होती थी, ये वहाँ मुलाकातें होती थी, ये लोग भाषण सुनते थे और लोगों का जो कुछ लोग थे जो एक्स सर्विसेज एसोसिएशन बनाया था उन्होंने कि टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ दोज हु वर डीमोबिलाइज्ड एंड और ये उसमें कुछ इफ्तक था जैसे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, ख्वाजा अहमद अब्बास वगैरह का भी कुछ उसमें सपोर्ट रहता था उन लोगों को, वहाँ मिले और वहाँ से ये सब
का शुरू हुआ इसकी ये सिलसिला म्यूटनी का। और उसके पहले दिसंबर में पहला स्ट्राइक इन लोगों ने किया, जबकि पहली बार 1945 में, जिसमें एक सिग्नल स्कूल था, एचएमआईएस तलवार, जो बड़ा आलीशान माना जाता था, ब्रिटिश सरकार की सेकंड मोस्ट पावरफुल माना जाता था। वहां पर इन ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि नेवी डे के दिन हम लोग इसको खोलेंगे और बंबई के जितने हुज हु हैं सबको बुलाएंगे टू इम्प्रेस अपॉन देम, बिकॉज उनको भी लग रहा था कि भाई बड़ा नेगेटिव सा प्रेस आ रहा था और लोग बातें कर रहे थे बहुत तेजी से स्वाधीनता की, तो उसको सब देखने के लिए उन्होंने प्रेस को बुलाया और हुज हु ऑफ बॉम्बे वेरी इन्वाइटेड। उस रात दो लोगों ने, एक था बीसी दत्त और एक था आरडी पुरी, इन दोनों बाद में पत्रकार भी बने, बीसी दत्त पत्रकार भी बने और वो फ्री प्रेस जर्नल में, और उसके बाद वो उनको पत्रकारिता समझ में नहीं आई तो वो लिंटर्स में काम किया, उसके बाद यूसुफ मेहर अली सेंटर में वो, हाँ, वो बहुत लंबा करियर रहा उनका, काफी नोटेबल सिटीजन रहा। और आरडी पुरी ये तीनों सर्विसेज में उन्होंने काम किया, लेकिन उस वक्त नेवी में थे और वो तलवार में ही इनके साथ ही हुआ करते थे, एक आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे। दिलचस्प बात ये है कि जो पुरी आरडी पुरी है वो आज के जो इंडिया टुडे के ओनर्स हैं मधु ट्रेन और अरुण पुरी साहब, हाँ वो उनके सगे चाचा है। और इन लोगों को इतना कुछ पता भी नहीं था कि भाई ये इतना कुछ इन्होंने किया है, वो कभी कहते थे कि हमारा हाथ बहुत था स्वाधीनता संग्राम में और लोग मानते नहीं थे इतना, लेकिन ये जब किताब का उनके अतीत को समझने का जरिया आप बने, चलिए उसके लिए आपको थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, मैं एक मिनट जी मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। दो चीजें जो है कि दिसंबर 1945 में पहली बार हड़ताल होती है, उसके बाद फरवरी 1946 में एक तरफ से फुल ब्लोन बॉम्बे में म्यूटिनी शेप लेती है। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना जरूरी है कि कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये एक ओवरऑल हिंदुस्तान की राजनीतिक जो नैरेटिव थी, जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उसके साथ सिनर्जाइज कर जाते हैं। एक तो ये कि और शहरों में, खास तौर से मोस्ट इंपॉर्टेंटली कराची में भी ये नेवल जो अपराइजिंग थी ये वहां फैल जाती है, और बॉम्बे शहर में बॉम्बे का जो वर्किंग क्लास था, बॉम्बे के जो आम लोग थे, उनकी जो समूह थी, उन्होंने एक तरह से स्पॉन्टेनियस अपसर्ज ऑफ सपोर्ट फॉर द नेवल रेटिंग्स हमको देखने को मिलती है, जिसकी कारण एक बहुत ही ब्रूटल रिप्रेशन होता है। शायद आप ही ने लिखा है कि मतलब करीब एक दिन में 700 लोगों की मौत होती है बॉम्बे शहर में। तो जरा इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से एक मास अपसर्ज हो गया और दूसरे शहरों में कैसे गया। अब फिर से मैं थोड़ा सा उस पीछे ले जाऊंगा कि दिसंबर का हादसा तो आपको बता दिया, उसके बाद जनवरी फरवरी में भी ऐसे एपिसोड इंसिडेंट्स होते रहे। हाँ, इंसिडेंट्स होते रहे और एक समय एक आया कि जब नेवी को लगा कि ये वहां का जो कमांडिंग ऑफिसर है वो स्ट्रांग नहीं है, तो उन्होंने एक दूसरे स्ट्रिक्ट कमांडिंग ऑफिसर को, कमांडर किंग को भेजा, और ये करीब 18 फरवरी को म्यूटनी शुरू हुई थी, उसके 1946 में, हाँ 1946 में 10 या 12 दिन पहले उसके ये किंग साहब इंस्पेक्शन में आए बैरक में और देखा कि सबके सब ये जो यंग रेटिंग थे सुबह काम पर नहीं जा रहे हैं, लेटे हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं और कोई उठा भी नहीं जब वो आए, तो उनको उन्होंने गुस्से में बहुत सी गंदी गंदी गालियां दी, जैसे सन्स ऑफ पुलिस, सन्स ऑफ बिचेस एंड एनीवे, बहुत सी चीजें कही, तो उस जब वो कहेंगे तो ये सब भड़के उस पर, वहां पर से म्यूटिनी का सिलसिला चालू हुआ। उन्होंने शिकायत की और फिर कोई शिकायत ठीक से सुनी नहीं गई, तो 17 तारीख की रात को इनके खाने में दाल में कुछ कंकड़ और पत्थर मिले, और ये वैसे ये सब चार्ज थे, और जब ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने अगले दिन ये डिक्लेयर कर दिया कि अब आज से हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं
हाँ अब काम नहीं करेंगे। स्ट्राइक जब 5 से ज्यादा आदमी जब किसी भी आर्म फोर्सेस में एक ही इश्यू को लेके स्ट्राइक करते हैं तो उसको म्यूटिनी कहा जाता है। तो ये उस दिन से म्यूटिनी शुरू हुई। जब म्यूटिनी शुरू हुई तो उसके एक दिन बाद जो हमारे इंडिया के ऑल इंडिया के जो नेवल चीफ थे, फॉकरीन उनको बुलाया जाता था, फॉकरीन गॉडफ्री, जब एडमिरल गॉडफ्री थे, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कह दी अपने ब्रॉडकास्ट में कि अगर हम हमारे पास बहुत फोर्स है, हम चाहेंगे तो इन सब को उड़ा देंगे, और वो नेवी जो हमारे लिए बहुत प्यारी है उसको भी हमको खत्म करने में कोई टाइम नहीं लगेगा इस सब से, और ये सब और भड़क बढ़ गए। और 21 तारीख की बात है कि उस दिन काफी कुछ आपस में गोलीबाजी हुई, एक बैरक के बाहर, अंदर से भी गोली चली, बाहर से भी गोली चली। अब कोई रिकॉर्ड नहीं है कितने मरे, लेकिन कब एक एक कहते हैं, एक एक रेटिंग मरा, उधर से भी कहते हैं एक ऑफिसर मरा, लेकिन जरूर बहुत ज्यादा हुआ होगा। खैर यहाँ से तब तक क्योंकि ये स्ट्राइक या यूनिटी शुरू म्यूटिनी शुरू हुई थी सिग्नल स्कूल से, 24 घंटे के अंदर अंदर चारों तरफ दुनिया में जहां जहां रॉयल इंडियन नेवी का प्रेजेंस था वहां पर ये खबर मैसेज पहुंच गई। चला हाँ गया। सब जगह में, और 48 घंटे के अंदर अंदर 20,000 नौसैनिक, 78 शिप्स और 21 शोर एस्टैब्लिशमेंट ने स्ट्राइक कर दी, म्यूटिनी कर दी। पूरी एक तरह और से यूं समझ सकते हैं कि रॉयल नेवी जो है वो बिल्कुल मतलब स्टैंड स्टिल पे आ गई हो। बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई। यहाँ तक कि इन लोगों ने जितने शिप्स थे जो बॉम्बे के आसपास, सबको उन्होंने कैप्चर किया, वहां से ब्रिटेन के का झंडा नीचे किया, और अपना कांग्रेस और मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट लोगों का झंडा भी ऊपर कर दिया और कंट्रोल ले लिया। अब इन इन सबको ये बहुत बड़ी बात थी। ब्रिटिश लोग काफी पैनिक कर गए इसको देख के, इनको लगा कि 1857 फिर से आ रहा है हमारे पास। और 1857 में लोगों का इतना सपोर्ट नहीं था, इंडियन पब्लिक का सपोर्ट नहीं था जितना कि 46 में हो गया था, जितना 46 में लोग चाहते थे जनरली कि हमको स्वतंत्रता मिले, 1857 में उतना नहीं था। और ये सब देखते हुए अंग्रेजों को बहुत घबराहट हुई। उन्होंने अपना सबसे बड़ा पोत जो वॉरशिप था वो ट्रेंकोमैली में था, उसको रैपिडली मंगाया बॉम्बे में। ये कहा कि जितने एयरफोर्स के प्लेन्स हैं वो लो सॉर्टी करके इन सबको डराएंगे। और इधर ये जो सेलर्स थे, जो रेटिंग्स थे, वो कहते थे कि भाई मैं हम तो वॉर में जाते हैं अपने को ये सोच के थोड़ी ना कि हमको बच के वहां से आएंगे, हम तो तैयार हैं उसके लिए। तो उन्होंने भी अपनी जितनी भी गन्स थी, जो उस समय कहते थे उसको 4 इंच बोफर गन्स जो होती थी हर एक शिप पर, वो उन्होंने शोर पर लगाई, जहाँ बिल्कुल गेटवे ऑफ इंडिया यॉट क्लब के सामने लगाई और डॉक यार्ड के सामने, और ये कहा कि अगर आप हमें जरा सा भी नुकसान करेंगे तो हम ये सब बिल्डिंग तो हम को भी फायर उड़ा करेंगे। देंगे। मतलब इतना ज्यादा टेंशन हो गया था। फिर वो आधे घंटे में किसी तरह पॉलिटिशियंस ने इंटरवीन किया, ये किया करके इसको सुलझाया। यहाँ तक ये बहुत पहुंच गया था। उसके बाद हमारे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के लीडर जो, चूंकि ये देख रहे थे कि ये तो इंडिपेंडेंस तो हमारा इमिनेंट है, एंड जी वाई रॉक द बोट जस्ट नाउ, यू नो, एंड दे वर ऑल उनकी वरीड कि उनकी ये जो उनकी कंफर्टेबल, जितना मैं समझ पा रहा हूं कि हालांकि ये रेटिंग्स ने, जो नेवल सेलर्स थे, इन लोगों ने ब्रिटिश झंडा उतारा और हम लोगों के जो अलग अलग पार्टी से उस समय उनके झंडे फहराए, चाहे वो मुस्लिम लीग का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कम्युनिस्ट झंडा हो, उसके बावजूद जो लोग मेन स्ट्रीम, जो नेशनल मूवमेंट के जो नेता थे, उन्होंने इस मूवमेंट को, नेवल म्यूटिनी को कोऑप्ट नहीं किया, अपने अंदर शामिल नहीं किया, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि जो शब्द म्यूटिनी है वो किसी भी पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए थोड़ा सा तकलीफ दे होता है। क्या नहीं, आपको ये ऐसा तो लगता देखिए, ये इसको म्यूटिनी नहीं देखना चाहिए, इसको पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल देखना चाहिए। अगर आप ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 40 साल पहले हुआ था, 1919 में हुआ था, लेकिन 40, चलिए 40 तो नहीं, जी मतलब 30 30 क्या हुआ, करीब 30 साल 1920 पहले। और उसके बाद में 30s में सिविल डिसोबीडियंस हुआ था। हाँ, जो नॉन कोऑपरेशन, उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने गांधी जी ने आह्वान किया था, पुलिस वालों से कहा था कि आप लोग ड्यूटी पर मत जाओ,
जी जब वो जस्टिफाई हो सकता था तो ये जो ये क्यों नहीं जस्टिफाई हो सकता था, इसको म्यूटिनी नहीं सोचना चाहिए, इसको फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट देना चाहिए, और वो था भी, ये फ्रीडम स्ट्रगल का ही पार्ट था। लेकिन चूंकि देखिए पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन रहेंगे आज के और तब में शायद और अपनी मैनरिज्म और डायलॉग्स में फर्क हो जाता है, लेकिन अंदर जो है वो वही चीज है कि वो 40 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, 40 साल से लड़ाई लड़ रहे थे स्वाधीनता की, वो इन बच्चों को हैंड ओवर नहीं कर सकते थे ये चीज, राइट। और 1.5 साल बाद उनको लग रहा था कि साल ये इट इज ऑल इमिनेंट, इट इज गोइंग टू कम एनी टाइम, व्हाई रॉक द बोट जस्ट नाउ, यू नो। जैसे कि मतलब फरवरी 1946 में जब म्यूटिनी शुरू हुई उसी समय तो कैबिनेट मिशन आने का अनाउंसमेंट हो गया था, तो एक तरह से रोड मैप तैयार हो रहा था। तो जब रोड मैप हो रहा था, जो आपने जो कहा कि रॉक द बोट, व्हाई रॉक द बोट, जब अपने प्रोसेस से नेगोशिएशन से आ रही है तो फिर काहे को म्यूटिनी करें। नहीं, मेरा तो मानना है कि कैबिनेट मिशन अनाउंस हुआ 19 तारीख को जी, 19 तारीख को, 18 तारीख को म्यूटिनी हुई, 19 तारीख को डिबेट हुई वहां पर, कैबिनेट की मीटिंग हुई 18 तारीख को लंदन में, और हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 19 तारीख को इसकी डिबेट हुई। उसी दिन डिबेट के बीच में ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि एक कैबिनेट मिशन जाएगा, उस कैबिनेट मिशन में हेड ऑफ नेवी वाज आल्सो इंक्लूडेड। तो ये right. ये जो कैबिनेट मिनिस्टर मिशन अनाउंस हुआ था वो म्यूटिनी की वजह से हुआ था, म्यूटिनी वो right. उसके बाद भी एक्चुअली जब आए थे कलकत्ते, वो मैंने डाला नहीं है किताब में, बिकॉज मतलब बहुत विशाल हो जा रहा होगा। हाँ, बहुत वो हो जाता उसमें। उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस से जस्टिस चक्रवर्ती जो उनके साथ एक बैंक्वेट में बैठे थे, उनको उन्होंने कहा कि देखिए गांधी जी का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है और जो भी मूवमेंट पीसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट, ये सब हम संभाल लेते, लेकिन अगर सैन्य बल में, अगर डिफेंस फोर्स में म्यूटनी हो गई तो ये हमारे बस की बात नहीं थी उस हालात में कि हम उसको संभाल पाते। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा था कि हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो हेस्टन हुई, जो जल्दी आई ये म्यूटनी की वजह से। जी हम लोगों के कार्यक्रम में मतलब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो जाते जाते एक चीज को मैं बिल्कुल टच करना चाहता हूं कि इतनी अहम रोल अदा करने के बावजूद हिंदुस्तान जब आजाद हुई तो उसके बाद ये नेवल जो सेलर्स थे इनको ना तो वापस रीइंस्टेट किया गया नेवी में और ना ही इनको किसी तरह से एक ऑनरेबल पोजीशन इन हिस्ट्री मिली है। इसके पीछे क्या मेन कारण लगता है? आपने तो मतलब इस चीज को बहुत डीपली रिसर्च किया है। देखिए पहले भी इन्होंने कहा था, वो जिन्ना साहब ने भी कहा था और सरदार पटेल ने भी ये बात कही थी कि भाई इंडिपेंडेंट इंडिया में भी हमें नेवी चलाना है, डिफेंस फोर्सेस चलाना है, हम इनडिसिप्लिन नहीं ले सकते। लेकिन मेरा कहना है कि ये म्यूटिनी की तरह क्यों लिया गया है, ये तो फ्रीडम स्ट्रगल था। फिर भी चलिए, ये उनका कहना था, मुझे लगता है कि बहुत से कारण हो सकते हैं और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसका सिंपल जवाब देना थोड़ा सा इसका मतलब मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि 1958 तक 4 जो हमारे नेवी चीफ थे सब अंग्रेज थे। 51-58 में हमारा पहला इंडियन ऑल इंडियन नेवी चीफ आया, शायद वो भी एक कारण हो सकता है कि जिन्होंने बगावत की थी अंग्रेजों के अगेंस्ट उन, और जो इनडिसिप्लिन उन्होंने रॉयल नेवी में किया था, रॉयल इंडियन नेवी में किया था, वो कैसे ये जो सर्विस चीफ थे, जो अंग्रेज सर्विस चीफ थे, वो कैसे उसको बर्दाश्त कर लेते, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन एक यही कारण नहीं है, मुझे खुद समझ में नहीं आता जब सरदार पटेल ने ये कहा कि कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगा, आप लोग सरेंडर कर दीजिए, जब उन्होंने सरेंडर कर दिया इसी कंडीशन पे, तो बाद में जब इनको, जब सरदार पटेल जब तक थे उनको भी लिखा, उसके बाद कृष्ण मेनन को, उसके बाद नेहरू जी को, इन्होंने बार बार की चिट्ठियां लिखी, और यहाँ तक एक आदमी ने परेशान, विश्वनाथ बोस थे, जो उन्होंने इतना भी परेशान होकर लिखा कि नेहरू जी को कि आप भी एक स्वाधीनता संग्राम में सेनानी थे, हम लोग भी उसी तरह थे, हम भी सड़क पे आकर लड़े, आप भी सड़क पे लगे, आप तो प्राइम मिनिस्टर बन गए हो और हमारे पास खाने की जगह है, इस तरह की चिट्ठियां भी एक्सचेंज हुई। लेकिन गवर्नमेंट से बड़ा एक सिंपल 2 लाइन का है, लाइक अ साइक्लो स्टाइल लेटर आया कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू री रिक्रूट और टेक बैक एनी वन हु वॉज
discharged, especially those with a disgrace, they will not be taken into the civil forces also, in civil service also. Now, I have not found, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों ऐसा हुआ और कोई कोई पेपर्स ऐसा है नहीं आर्काइव में या कहीं पर जहां पर इसका एक्सप्लेनेशन हो. लेकिन सिंपल बात यह है कि वो लोग, फैक्ट यह है कि उन सबको सड़क पर छोड़ दिया गया और कई लोग भूखे मरे और कई लोग बहुत बड़े. मदन सिंह थे जो वाइस प्रेसिडेंट, वो घाना एयरवेज के चीफ भी बने और कलिंगा एयरवेज बीजू पटनायक के साथ उन्होंने शुरू की, जो कई लोग बहुत सक्सेसफुल थे, कई बेचारे बिल्कुल सड़क पर आ गए थे. जी नहीं, मतलब मैंने आपकी किताब में देखा, मतलब पढ़ के, कि आपने बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही ह्यूमनिस्टिकली आपने पोर्ट्रे किया कि किस तरह से ये जो नेवल म्यूटिनियर्स थे, इसके बाद इनको मतलब सरेंडर तो किए थे, उसके बाद इनका रीइंस्टेटमेंट नहीं हुआ था, कितनी स्ट्रगल हुई थी उनको इंडिपेंडेंट इंडिया में दोबारा से अपनी जिंदगी को बुन पाने के लिए, लेकिन उनमें से बहुत लोग जो है नहीं कर पाए. आपने बहुत लोगों की कहानियों को रिक्रिएट किया है, लेकिन बहुत टोटली अननोन, यू नो, मतलब बिल्कुल डिसअपीयर कर गए इतिहास में. लेकिन इसके बावजूद कि ऑफिशियल हिस्टोरियोग्राफी में नेवल म्यूटिनी के बारे में उसका, उसके महत्वपूर्ण किस तरह से, जैसे आपने आर्ग्यू किया कि कैबिनेट मिशन को के भी प्रोसेस को हेसन किया गया इस स्ट्राइक की वजह से, उसके बावजूद ये ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं मिला, लेकिन पीपल्स कल्चर में कहीं ना कहीं हमको देखने को लगातार मिलता रहा. जैसे कि उत्पल दत्त का नाटक, जिसके जिक्र आपने अपने किताब में भी की है, तो एक तरह से, एक तरफ तो जीवित रहा नेवल म्यूटिनी, लेकिन दूसरी तरफ से उसके जो डेफिनेटिव अकाउंट्स थे वो एक तरह से गायब हो गए थे, जो मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपके इस किताब से मतलब दोबारा से उभर के आएंगे. और मैं आपके साथ बातचीत तो मतलब घंटों कर सकता हूँ. आपने तो मतलब पता नहीं कई 100 pages की किताब लिखी है, तो हमारी तो शायद बातचीत मतलब कई घंटों तक चलती रही. लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे जो श्रोता, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो आपकी किताब को पढ़ें, ताकि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के एक फैसेट को, जिसको अपनाया नहीं गया है, उसको अपना माने और उसके बारे में ही जाने और ये समझें कि आजादी जो देश को मिली है वो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम से नहीं आई एकमात्र. उनका रोल, जो फॉर्मल, जो मेनस्ट्रीम नेशनल मूवमेंट था, उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन ये नेवल म्यूटिनियर्स के जैसे इनिशिएटिव थे, जो हड़ताल थी, ऐसे भी हादसों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया हिंदुस्तान की आजादी दिलाने के लिए. देखिए, इतिहास जो है, हिस्ट्री इज ऑलवेज डिक्टेटेड बाय द रूलर, आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो. उस समय भी और आज भी जो चेंज हो रहा है वो भी रूलर की वजह से हो रहा है, और उस समय जो नहीं लिखा गया तो वो कांग्रेस की वजह से हुआ था. तो इसलिए ये कभी नहीं ठीक होगा. जो चीज़ कन्वीनियंट होती है वो हिस्ट्री का पार्ट बन जाती है. हम लोगों का काम यह है कि वो निकाल निकाल के लोगों के सामने रखें कि क्या हुआ, और यही मेरी कोशिश रही है. जी, आपने कांग्रेस का जिक्र किया कि उस वजह से उस समय कांग्रेस के ऑफिशियल हिस्टोरियोग्राफी में ये फिट नहीं हो रहा था. ठीक उसी तरह से आज हमारे हिंदुस्तान में एक दूसरे पार्टी का शासन है, लेकिन आपने जैसे पहले कहा था कि म्यूटिनी से प्रॉब्लम होता है, मुझे लगता है कि आज के सरकार को म्यूटिनी वर्ड से थोड़ा और ज्यादा परहेज है. इसलिए मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूं कि आपकी किताब एक तरह से एक ऑफिशियल रिकग्निशन मिले और इसको हमारे टेक्स्ट बुक्स में पहुंचाई जाए. मुझे बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है. तो यहीं पे आप जैसे राइटर्स की किताबों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता आता है, और मैं चाहूंगा कि इसको पॉपुलर स्पेस में इसको स्प्रेड किया जाए और इसकी कहानियां जगह जगह जाए. हमारा कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.